बिलासपुर चाइल्ड स्पेशलिस्ट एसोसिएशन की ओर से शनिवार को 15वीं राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के मुख्य अतिथि निगम कमिश्नर सोनमणि पोरा रहे, जहां उन्होंने रिबन काटकर सेमिनार का उद्घाटन किया। सेमिनार में चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने बताया कि जन्म के बाद अधिकतर बच्चों की कुछ कारणवश मौत हो जाती है, जिस विषय पर सभी बच्चों के डॉक्टर चर्चा करेंगे और इसके रोकथाम के बारे में डॉक्टरों को अवगत भी कराया जाएगा। इस दो दिवसीय सेमिनार को लेकर कमिश्नर ने भी डॉक्टरों की काफी प्रशंसा की। इससे हमारे जो बिलासपुर संभाग के जो लोकल डॉक्टर है, प्रदेश के जो डॉक्टर है, एक दूसरे से और विशेषज्ञों से काफ़ी कुछ सीखने के लिए और शेयर करने का, सबसे बड़ी बात है शेयर करने का उनको एक बड़ा अवसर प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस प्रदेश से बाहर देश में बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होते हैं। मैं एसोसिएशन को और विशेष रूप से डॉक्टर ठाकुर और डॉक्टर सुशील कुमार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने उनके द्वारा एसोसिएशन द्वारा जो है बहुत मेहनत से ये कॉन्फ्रेंस बिलासपुर में लाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए जो उपाय हैं उससे संबंधित सारे व्याख्यान रखे गए हैं। चंडीगढ़ से मैडम कन्या मुखोपाध्याय और उनकी पूरी टीम आई हुई है, दिल्ली से डॉक्टर जैन आए हुए हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे शिशु रोग विशेषज्ञ जो अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित हैं उनके द्वारा भी अपने व्याख्यान दिए जा रहे हैं। चूँकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 46 है और जो अपने देश में 40 है, इसी तरह से नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट जो कि देश में 28 है। कोई बच्चा बीमार है नवजात तो क्या होगा, वो सुस्त रहेगा, दूध कम पिएगा, पेशाब कम करेगा, यदि ऐसे कुछ भी लक्षण हैं तो माँ को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। बच गया डिलीवरी के समय होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए, उसके लिए उपाय ये है कि वो डिलीवरी इंस्टीट्यूट में कराएं, यानी जिला अस्पताल में जाके कराएं। और ये जो गांव में लोग पैदा करके बच्चे को उल्टा लटका करके पीछे से मारते हैं कि बच्चा रोने लगे, ये गलत तरीका है। यदि बच्चा किसी कारण से नहीं रोता है तो उसको सांस देने की अलग व्यवस्था होती है, उसको मुंह के थ्रू सांस दिया जा सकता है या एक अम्बू बैग होता है उसके थ्रू सांस दिया सकता है, जो कि एक ट्रेंड स्टाफ जानता है। तो यही रीज़न है कि बार बार बोला जा रहा है कि आप अस्पताल में जा करके डिलीवरी करवाएँ।